स्टेशन बीएससी है और कृषि का कार्य करता हूँ। गांव कनौजा मुरादनगर जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। उधर उठो, खड़े हो, खड़े हो जाओ। जय भीम, मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं इंटर का पढ़ा लिखा हूँ और जो मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है, उधर दो। जय भीम, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैंने 12th की हुई है, नारायणपुर का रहने वाला हूँ। और आगे नहीं पढ़ रहे क्यों? काम की वजह से पढ़ रहे। माइक पास में रखा करो माइक। जय भीम, नाम कुलदीप कुमार, गांव नारायणपुर है और मैं ग्रेजुएट हूँ प्लस आईटीआई। ठीक, गाँव में रहते हैं। जय भीम, मैं नाम सुनील कुमार, मैं नारायणपुर हूँ, नारायणपुर का और कृषि काम करता हूँ और इंटर। जय भीम, मेरा नाम विनोद कुमार है, गाँव मेरा नारायणपुर है, आठवीं पास। बोला ना इसके समझ में ना आए। चलो आप बोलो। याद क्या? जय भीम, मेरा नाम कृष्ण पाल है, ग्राम नारायणपुर का रहने वाला हूँ, इंटर पास। जय भीम, सिंह नाम है मेरा, अनपढ़ हूँ वैसे, नारायणपुर का रहने वाला हूँ। खेती बाड़ी का काम करता हूँ और नारायणपुर गांव मेरा। विजय सिंह, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और ग्राम समाज में भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को आगे लेके चल रहे हैं हमारे जितने भी युवा हैं यहाँ पे, और जी जितना हो सके हम उनके विचारों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और रूढ़िवादों से दूर रहते हुए। धन्यवाद। जय भी, मेरा नाम राजन जयंत है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, नारंग माई विलेज नारंगपुर। जय भीम, मेरा नाम अभिजीत कुमार है, 5वीं पढ़ता हूँ, ग्राम नारंगपुर जिला मेरठ। जय भीम, मेरा नाम नितिन है, 7th क्लास में पढ़ता हूँ, गाँव में। अपना नाम बताना है जरा। जय भीम, नाम तो बता दो अपना। हैं, और अपनी क्लास बता। यू कैसे पढ़ता हूँ? मेरे गांव का नाम नारायणपुर में पढ़ता हूँ। ठीक, अब बता। आओ बोल दे। जय भीम, मैं बोलूँगा, आप लोग बोलो। क्या नाम है आपका? अनुष्का। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी। अच्छा, ठीक है, अभी आई। इधर को अपना नाम, अपनी क्लास। मेरा नाम अमन है, मैं 7th बी में पढ़ता हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो सर, चलो मैं आपको खड़े होता हूँ। सभी को एक बार फिर जय भीम। आप सभी लोगों का, नारायणपुर निवासियों का सम्मान एक अधिकार में स्वागत है। जय भीम बोलने से आप लोगों को उठपटा तो नहीं लगा? नहीं। गर्व का नाम है जय भीम या शर्म का नाम है? गर्व। आप लोग आपस में संबोधन करते हैं जय भीम का या राम राम जी का? जय भीम करते हैं। आप जागरूक हैं, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। बाबा साहब की नीतियों पे चलते हैं या बाबा साहब को मानते हैं? मानते भी हैं, नीति पे भी चलते हैं। इसके लिए भी आप लोगों को साधुवाद। बड़ा प्रण मंदिर है और ये अम्बेडकर भवन भी है।
इसमें क्या ध्यान नहीं देते हो? वापस आ गए। ये मंदिर गांव का है या समाज का अनुसार? गांव का है। गांव के समाज के अनुसार प्राथमिक हुआ प्राथमिकता अपनी बात का उत्तर। तो आप लोग बाबा साहब का अपने जीवन में कुछ कर्ज मानते हैं नहीं मानते हैं? ये सब बाबा साहब की देन है जो आज भी छत के नीचे बैठे हैं, बहुत बढ़िया बड़े कपड़े पहन रहे हैं और रोड पर चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो हम यूँ झोड़े इसी का पानी पीते और मरे हुए ढोरों का मांस खाते। बाबा साहब से पहले और भी बहुत सारे हमारे महापुरुष आए हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आए हैं, माननीय काशीराम जी आए हैं, इन्होंने सभी ने हमारे समाज को सुधारने का कार्य किया और साफ रास्ता देने का भी इन्होंने कार्य कहा कार्य क्या है, लेकिन हमारा समाज क्यों नहीं सुधर पा रहा, क्या कारण है? कुछ तो कारण रहा होगा हमारा समाज क्यों नहीं सुधर पा रहा। शिक्षित हो अब तो बहुत शिक्षित है। अगर जो पहले शिक्षित है, देश आजाद होने के बाद जितने लोग शिक्षित थे, डॉक्टर इंजीनियर और जो भी थे पढ़े लिखे जो शहर में चले गए, अगर वे लोग उस समय हमारे समाज पर गांव देहात के जो हम लोग रहते हैं वे अगर हम पर ध्यान देते तो आज हम हमारा आलम और भी आ गया होता। तो इसी बात पर बाबा साहब ने आगरा चक्की पाठ पे एक बात कही थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, क्योंकि मेरी आवाज शहर तक तो पहुंची लेकिन गांव तक नहीं पहुंची, और जबकि ये देश गांव से होकर गुजरता है, 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और एक बात हो रही है, एक कहावत ये हकीकत की है, अगर हम मंदिरों में लैन लगाएंगे तो मंदिरों पर हम सितारे बन जाएंगे, ये निश्चित है। अगर हम यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेजों में जाएंगे और वहां से डिग्रियां लेकर निकलेंगे तो हम अधिकारी अवश्य बनेंगे, सही है या गलत है? सही है, क्योंकि मंदिर जो है ये ब्राह्मणों का कमाने का एक अड्डा है, अनपढ़ ब्राह्मण भी मंदिर में रह सकता है और पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण मंदिर में रह सकता है, लेकिन अधिकांश आज तो 10वीं 12वीं में अनपढ़ के बराबर ही है, यही मिलेंगे। और अनपढ़ ब्राह्मण हमें बहकाता है, हम उसके पास बच्चा हुआ हमारा वह पंडित जी हमारा नाम निकाल देना, अनपढ़ है गंवार है बिल्कुल, पंडित जी कहेंगे और नाम निकलवाएंगे, नाम हमारे तुम्हें पता ही है कैसे रह गए पहले, किसी का नत्थु रख दिया, किसी का कुछ रख दिया, किसी का कुछ रख दिया, इस तरह से जैसे कि इनकी एक पहचान अलग हो। और हमारा पढ़ा लिखा बोधाचार्य, आप तो समझते बोधाचार्य, बोधाचार्य भी ऐसे ही कार्य करता है जैसा पंडित करता है, लेकिन हम बोधाचार्य के पास नहीं जाएंगे, पंडित को 100 रुपये दे देंगे, अपने बोधाचार्य को 21 रुपये नहीं देने के, ताकि वही काम जैसे वो करता है बिल्कुल सेम वही काम करता है, वो नए हिसाब से करेगा ये पुराने हिसाब से करते हैं। अभी परसों 8 तारीख 5 तारीख में भारत बंद हुआ जी, बताया नहीं बताया, क्योंकि 200 रोस्टर के अंदर हमारे जितने पढ़े लिखे PhD इंजीनियर जो भी हैं उन्हें रोकने के लिए इन्होंने एक 13 रोस्टर कानून बनाया, सिर्फ SC ST
कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोकने के लिए तेहरा रोस्टर इन्होंने एक कानून बनाया। तेहरा रोस्टर में हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, डिग्री कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकते, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। कहने का मतलब है तेहरा रोस्टर में हम बड़े डिग्री कॉलेज में टीचर नहीं बन सकते। अब लेकिन पता नहीं क्या है, कल अरुण जेटली का बयान आया है कि हम 200 रोस्टर को पास करेंगे कल के समाचारों में। अब पता नहीं ये क्या करेंगे, या करेंगे या ना करेंगे। भाजपा हमारे समाज के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रही है, सबे पता है। लेकिन फिर भी हमारे लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, मोदी को पसंद कर रहे हैं। अगर आपके पास मोदी आ गया ना, ये तो निश्चित है एससी एसटी आरक्षण सब खत्म हो जाएगा, चाहे हम कितने पैर मार लें। अभी तो हमें टेस्ट कर रहे हैं, पिन चुबा रहे हैं, देख रहे हैं कि इनमें कितना करंट है। ये तो देखा होगा स्प्रिंग को जितना दबाते हैं, जितना भी दबाएंगे फिर उसे छोड़ेंगे उतनी नहीं मिलेगी। यही हमारे समाज का हाल ये कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज, केवल हमारा ही समाज एससी वो ही एक्टिव है हर कानून को बचाने के लिए। धोबी है, खटीक है, और जो एसी में आ रहे उसमें एससी में आ रहे और कोई कुछ नहीं कर रहा, वे तो मजे ले रहे, मर हम रहे हैं। पीछे 2 अक्टूबर को वो 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, कोई नहीं बंद, 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, हमारे समाज के 13 बच्चे शहीद हुए थे। सिर्फ ऐसी समाज के बच्चे थे, खटी पटी या नटवट इनके बच्चे नहीं थे, क्योंकि हम ही इस जंग को लड़ रहे हैं और फायदा और ले रहे हैं। शॉर्टकट कर दो। तो इसी के साथ सभी को जय भीम। ठीक है, हम किस पार्टी के नेता नहीं है, भाई साहब ने बता दिया था, किसी भी पार्टी के हम नेता नहीं है, चाहे वो कोई भी देश की पार्टी है। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपनी जेब से बनाते हैं, अपनी जेब से खाते हैं, ये पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है सर, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपकी आवाज एक लेकिन सर बहुत डाउन है अभी, आप सब लोगों से मैं कुछ सवाल करूँगा। दोस्त तुम यहाँ बैठो, जरा यहाँ बैठो। ओ दोस्त, आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो? जी पक्का? हाँ आज कहो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हो? जयंती मनाई? जयंती नहीं मनाई, उनके सम्मान में, उनके सम्मान में यूथ ने उनके विचारधारा को अमल करने के लिए स्पीच दी थी। युवाओं ने, बड़े बुड्ढों को कोई रोल नहीं था, यूथ आए थे। यहाँ अभी आपने कहा बाबा साहब को मानते, सदगुरु रविदास जी का फोटो सामने है जी, ना तो बाबा साहब को जी स्पष्ट बात है, आप लोगों को बुरा लगेगा। नहीं, 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 आप सब लोग, मैं आपको बताऊं, आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, आपने हाथ उठाया प्रॉमिस करा। हमारा गेट जो है, मैं कहना चाह रहा, हमारा जो गेट है मंदिर का अंबेडकर द्वार के नाम से है, बाकी शिव मंदिर द्वार के रविदास द्वार मैंने बैठ तो फोटो खींची है उसके ऊपर, शिव शिव द्वार लिख रहा, शिव द्वार लिख रहा, अंबेडकर क्या लिखा कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं इसका बात कहने जा रहा हूँ, आप मुझे बोलने का चांस दूंगा, बात बात में कर लो। दोस्तों वीडियो का कोई टैलेंट होता है, हम यहाँ समय अपना खराब कर रहे हैं। ओके, आप सब लोगों से मैं 20 मिनट रुका और 20 मिनट में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी बात कहने बोल दूंगा, फिर आप उसके बाद आपको पूरा चांस दिया जाएगा, चाहे आधे घंटे बोलो एक घंटे, पूरी वीडियो कवरेज। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप मानते हैं, तो ये बताइए क्या उसकी बात को भी मानते हो? जी हाँ मानते हैं। हिंदू धर्म त्याग करा दूं ना? नहीं नहीं। कौन सी बात मानते हो? बात कौन सी मानते हो? पब्लिसिटी जाते हो? उसके बारे में पूरा जान ना आपको नहीं है? ये सवाल देश के किसी भी अनपढ़ बुजुर्ग से, चाहे माता है या बहन है, किसी से कोई सवाल ही नहीं है, और इंटर से नीचे भी किसी से सवाल नहीं है पूरे देश में, क्योंकि इंटर क्लास पहली क्लास है।
जो हमारे देश के अंदर बच्चे ग्रेजुएट हैं, एमएससी, बीएससी, एमकॉम, फलाना कॉम, ठिकाने कॉम, उनसे सवाल है इस देश का। ये गांव गांव सर्वे हो रहा है, आपको मैं बता दो, 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेरा नाम नहीं जानते हो। देश के जिस जगह डालोगे ना देवेंद्र कुमार गौतम, 1 मिनट में आकर निकल गया, ठीक है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मतिथि क्या है? खड़े हो, शायद नहीं होते जब 14 आप निकल रहे बिल्कुल दोस्त। मैंने जन्म तिथि पूछी है, इधर बोलो बैठो, क्या देखो जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म तिथि क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल तो उनका बैठ जाओ। आप में तो है कोई इंटरव्यू है, कोई बताएगा? नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैदेश में पढ़ाई करी? हाँ, उनका कोलंबस यूनिवर्सिटी में। मैंने पूछा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या देश में पढ़ाई करी? अधिकांश ने फॉरन ही पढ़ाई करी, बट ये नहीं है कि कितने देशों में करी। ये कहो कि मुझे नॉलेज नहीं है जी, बैठो आराम से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे कितने थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे कितने थे? इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सबसे पवित्र ग्रंथ, हाँ ये तो सबसे बड़ा, पवित्र छोड़ो, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है इस देश का? बैठ जाओ, खड़े हो, हाँ बोलो। संविधान। शिक्षा, बैठ जाओ। शिक्षित और शिक्षा में फर्क होता है, कभी भी ओवर माइंड नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया। 99% हमारे समाज के लोग कनस्तर होता है ना, कनस्तर जानते हैं जिसमें घी आता है, जैसे ये जो भरा हुआ होता है ना, आवाज़ नहीं करता वो, और जब खा लेते ना डब डब डब, 1 लाख मार पूरे देश में आवाज़ पहुँचती है। तो ये कनस्तर काम कर रहे हैं। मैंने 5 सवाल पूछे, कोई ज़्यादा तो नहीं पूछे, कोई ऐसा किसी को ना चुप रहा हो, और चुभने के लिए मैं गाँव गाँव सर्वे करता हूँ, और खासकर ग्रेजुएट बच्चों कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए कितना कष्ट करके हमें यहाँ तक पहुंचाया, और हमारे ग्रेजुएट बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट में एमए, बीए, एमएड, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम मूंगफली की तरह भर रहे हैं, लेकिन जिस जन्मदाता ने हमारे लिए इतना संघर्ष करा उसकी जनरल नॉलेज नहीं है ना जरा सी। इस दिन आप जयंती मनाते हो, आपके दूर से समाज का व्यक्ति आपसे सवाल करते, उसको राइट बनता है। इन बुजुर्गों को जिन्होंने पढ़ने नहीं लिखने दिया गया, समाज के अंदर जो संविधान से पहले देश आजाद होने से पहले हमारे ऊपर जो प्रतिबंध थे, इन सब पूछने का टाइम क्या था? देश के अंदर कहीं भी चले जाना सब झोड़ पे मिलेंगे, चमार छोड़े झोड़ पे, पूरे चमार छोड़े पूरे देश के अंदर कहीं भी पता कर लो। तो इनका टाइम कैसा था ये आपसे सवाल कर सकते हैं कि भाई ये फोटो लगा रखी है, रविदास जी ने क्या करा था मान लिया, भगवान गौतम बुद्ध ने क्या करा था, काशीराम साहब ने क्या करा था, क्या जवाब दोगे? अभी हमारे लिए तो कुछ नहीं करा किसी ने, एक विधान तो बनाया प्रभु, इन्होंने तो बनाया विधान ठीक इस देश में ठीक, और यू भी बनाकर बची गया अंग्रेजों से। अंग्रेजों से मैं आपको बताऊं, बाबा ने हमारे में एक बात बताई है बहुत अच्छी, अगर इस देश के अंदर अंग्रेज नहीं आते, जिन्हें देवता कहते हैं ना देवता, वो इस देश के अंदर अंग्रेज थे, अगर वो नहीं आते तो ना बाबा साहब पढ़ते, ना हम पढ़ते, ना आप पढ़ते, ना कुछ। इस देश के अंदर अवतार रूप, भगवान रूप जो है ना, वो अंग्रेज ही है हमारे, ये ध्यान रखना। ट्रेन किसने चलवाई देश में, नहर किसने खुदवाई, बिजली किसने चलवाई, टेलीफोन किसने चलाए? इस देश के अंदर हम नाग को देवता कह रहे हैं, बंदर को हनुमान कह रहे हैं, जितने कमे इकट्ठे होते हैं उनको सबको कह रहे हैं, सबको पूजो, 365 दिन लगे रहो, सारा जितना पैसा कमाना एजुकेशन पे नहीं लगाना, यहाँ लगाओ। किसी ने कहा आपके मंदिर बनाने को?
सतगुरु रविदास जी ने कहा था कि जैसा खाओगे अन्न वैसी होगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी। मास कितने लोगों ने छोड़ा है? शराब नहीं आपने पीते तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल मेरा आपका या पर्सनल लोगों का नहीं है, ये पूरे देश को और दुनिया को जाएगी जब चाहे तब देखने में। ये जो माइक लगाते हैं हैबिट निकलवाते हैं बच्चों की, बहुत अरे कॉल आ रही है, तीन दो बार काट दी फिर आ रही है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ा नहीं, उधर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े कर रखे हैं, उधर मनुवादी लोगों ने सतगुरु रविदास जी को बहुत सारी चीजें हटने जा रही है, पोस्टर पे बहुत सारी हटा दी, हाथ का ओम हटा दिया, मथे का तिलक हटा दिया, अभी ये माला भी हटनी है। जो ओरिजिनल सतगुरु रविदास जी का रूप है, जैसा मैं खड़ा हूँ जैसा आप खड़े हैं, वो आएगा। तो कहा गया उन्होंने क्या कहा कि जात जात में जाता है जैसे केले की पाप, कि एक केले को तोड़ो दूसरे केले का दर्द नहीं होगा। हमने उन्हें भी नहीं पढ़ा, हमने कबीर साहब ने क्या कहा उसे भी नहीं पढ़ा। होली आई तो होली मना रहे, मनाते हो ना? दिवाली आई तो दिवाली मना रहे, 14 अप्रैल भी मना रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। तो ये सवाल है, तुम तो कोई भी कर सकते, तुमने जयंती मना रहे हो, आपको पोस्टर लगा हुआ है, तो ये गलत सही है। एक सवाल मैंने पूछा अभी और उसमें, जिसको संसार कहता सिंपल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसपे स्टैचू लगवाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसका 100 साल का सर्वे है, सॉरी 300 साल का, कि हमारी यूनिवर्सिटी से कौन कौन विद्वान पढ़ के गए हैं जिन्होंने अपने देश के अंदर नाम कमाया दुनिया में, उन्होंने सर्वप्रथम नाम आया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और हमारे ग्रेजुएट भाई साहब को यू नहीं पता उसकी जन्मतिथि क्या है। 14 अप्रैल ये झंझोड़ रहा हूँ मैं, रसगुल्ले नहीं खाने में देखी थी वो, ये जो दिमाग में समाज के हमारे में फोड़ा हुआ पड़ा है कि फोड़ना है, आज कड़वी बात करूँ तो शाम को सोचोगे भी, और मिठास से कहूँ भाई से बैठ जाओ, भाई साहब कहेगा जिसे चाहिए वोट, ना चाहिए सारे नोट, ना चाहिए सपोर्ट, ना चाहिए सारी वोट। ठीक है सर, आप सब लोगों को मैं कड़वाहट में बोल रहा हूँ, ये पोस्टर हटने चाहिए, सतगुरु रविदास जी का सिंपल फोटो होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का होना चाहिए, भगवान गौतम बुद्ध का होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता, पढ़ा नहीं है आप लोगों ने कुछ, ये मेरा कंफर्म है, मैं 2008 से इस काम को कर रहा हूँ। देश में जहाँ नहीं चाहे उससे पूछ लेना, चाहे अपने मेरठ से पूछ लेना, जिससे चाहते हो टॉप लीडर से। आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाओ, धूमधाम से मनाओ, बड़ी शान से मनाओ, ये हमारा गर्व है। लेकिन नॉलेज उसकी याद रखो, बाहर से व्यक्तियों को बुलाओ वो आपको बुलाएंगे, आप उसको पढ़ो, छोटी छोटी क्लास चलाओ उसके अंदर, और इससे ज़्यादा मैं वीडियो पे नहीं बोल सकूँगा, छोटे छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ाओ, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धड़ेगा। ठीक है, तो आप सब लोगों को मैं एक सूचना देने के लिए आया हूँ, आपके गांव के पास में आलमगीरपुर बुद्ध विहार कल्याणपुर उपलीना, ठीक है सर, ये आपके क्षेत्र के 50 गाँव की सभा होने जा रही है, 17 मार्च दिन रविवार, क्योंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा चट्टी पाठपुत्र विहार में आप जैसे लोगों को कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने, जैसे ही मैंने इन्हें अधिकार के रास्ते खोले तब इनका सिर्फ एक मुंह था, मुझे नौकरी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन मेरे संघर्ष जो मैं यहाँ तक कारवा को लाया हूँ इसे गाँव गाँव तक नहीं, इसमें बाबा साहब का बहुत सारा इतिहास आ रहा है, वो खरीदना पड़ेगा, जो ग्रेजुएट बच्चे आएंगे उनको हम संविधान देंगे, आना आपको पड़ेगा अपनी मर्जी से, अपने किराए से, बैठने के लिए कुर्सी देंगे, पीने के लिए पानी देंगे, खाने को खाना देंगे, देश के चुनिंदा लोग विद्वान इसमें आएंगे, किसी भी पार्टी का नेता नहीं आएगा, किसी का भी जो आएगा वो आप ही की तरह बैठेगा, VIP कोई नहीं है, हमारा ये रसूल है कि हम जो कार्यक्रम करते हैं ओपन करते हैं, 50 गाँव के लोग होंगे इसके अंदर, और युवा हो अगर जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो तो उसकी बात को मानो, नहीं अपमान मत करो आप लोगों के अपमान से दूसरे, क्योंकि हम अभी मैंने कहा था कि एक आदमी बहन बेटी को दिया ना, अभी मेरे भैया ने कहा कि हम बता देंगे स्कूल में एक आदमी पढ़ने जाएगा तो दूसरा बता दे उसे कि भाई ये चीज तो पढ़ने में पढ़ गए, बता सकता भाई साहब, महिला
जो शिक्षित होती है दो घर रोशन करती है, एक अपना घर रोशन करती है, एक अपने ससुराल का घर रोशन करती है। स्कूल कब खुला था हमारे लिए इस देश में? हमारे देश में स्कूल कब खुला था? हमारे लिए, सभी के लिए, हमारे लिए। बाबा साहब ने संविधान में राइट दी थी, हमें कोई स्कूल में बैठने नहीं मिलता था। बैठो। हमारे लिए इस देश के अंदर सबसे पहला स्कूल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने खोला था 1 जनवरी 1848। बाबा साहब तो पैदा भी नहीं हुए थे जब। सबसे पहले शिक्षिका है राष्ट्रपिता, राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली शिक्षिका थी, और उसका साथ दिया था फातिमा शेख ने, जो उस्मान शेख की बहन थी। उसने जब हम लोगों के लिए पूना के अंदर कहीं भी स्कूल नहीं था तो उन्होंने अपने घर के अंदर हमें जगह दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तीसरे गुरु हैं। सर्वप्रथम गुरु भगवान गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु कबीर साहब, और तीसरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। इससे अलग कोई नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई भी। और जिसको डोरे हो तुम डोरते रहो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हें आस्था जगा दी वो व्यक्ति तुम्हारा विनाश करेगा, इन बच्चों की बुद्धि का विनाश करेगा। जिसने भगवान जगा दिया तुम्हारी बुद्धि का विनाश। और संसार के अंदर जहाँ भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ चले गए तो आपका भी विकास होगा, आपकी बुद्धि का भी होगा, और आपकी जनरेशन का भी होगा, क्योंकि वहाँ जो जंग हो रही है वो आपके विकास के लिए हो रही है। ठीक है सर, मेरी गलती सत्य के लिए क्षमा हो। ठीक है सर, मेरे आने से खुशी हुई है काम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से बोलते सीना ताम। ये इस देश के अंदर अगर हम सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पास जमीन है, जायदाद है, मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर, साइंटिस्ट है, वो केवल केवल बाबा साहब डॉक्टर केवल, ये ध्यान रखना। और हम सब लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलना है, हमें इन बच्चों को बताना है क्या, क्योंकि ये बुजुर्गों की तक कट ये तक क्या कर रहे हैं। अब जो कर दे वो मेरे और आपके ऊपर है। तो आप सब लोग 17 मार्च को आइए, अपने बच्चों को लाइए, अपने किराए साओगे, अपने भाड़े साओगे, इच्छा करें समाज में क्रांति के लिए, तो वहाँ डोनेशन कर देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हर चीज समता, समानता, बंधुता, न्याय, भाईचारा, कल्याणपुर बुद्ध विहार है, 50 गांव के लोग इकट्ठे होंगे, आओगे अपने आप, इच्छा करें आ जाना, इच्छा करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ, बत्ती बंद कर दो, और उसका आप लोग अपना व्हाट्सएप, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो बोलना, तो बोलो, कोई क्वेश्चन क्या बोलना बोलो, अब जो भी खड़ा होगा बोलो, मैं बनाऊंगा। मेरा क्वेश्चन यही था कि हमने एजुकेटेड होके अपने बारे का इतिहास नहीं पढ़ा। हम हिंदू तत्व या फिर जितने भी रूढ़िवादी मन हो, जितने भी लोग थे, इनकी बातों में आके हम उन चीज़ों को पढ़ते रहे जो हमारे काम की नहीं थी, और जो हमें पढ़ना था वो हम पढ़ नहीं। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा से हट के दूसरी राह पकड़ने के कगार पर खड़े हुए थे। कुछ लोग हुए जो हमें वापस लाने के लिए लाइन पर लेकर आ रहे हैं, पर फिर उसके बावजूद भी हम नहीं जा पा रहे। तो ये हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप जैसे लोग अगर हर समय, देखो ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ एक से क्रांति लाई जा सके, बट वो एक जिस तरीके आपने मेरे अंदर सुविचार मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या किस लाइन पर चला गया। मुझे अपना इतिहास पढ़ना चाहिए था और अपने समाज को शिक्षित राह पर लेके उन्हें भी इतिहास बताना चाहिए था कि हाँ हमारा अम्बेडकर जी का इतिहास क्या है और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए, उनके बारे में बताना पड़ता है, जिससे कि उनके अंदर भी वो आग लगे कि वो अपने समाज को एक शिक्षित और उन बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दे सके। क्योंकि पहले लोग इतने शिक्षित नहीं थे और जैसे उन्हें कह दिया गया वैसे कर दिया गया। हमारे बड़े बूढ़े जैसे हमारे माँ बाप हुए, उन्होंने जैसे हमें कहा वैसे हम चलते गए, बट इतना शिक्षित होने के बावजूद भी हम फिर भी उसी ढर्रे पर रहे। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आपको कैसा लगा आ जाकर, अनुभव क्या हुआ हमारा आने का? आपसे अनुभव ये हुआ कि मैं एक क्रांति के साथ समाज में एक्टिव रहूँगा और अम्बेडकर जी विचारधारा को मानता नहीं, मैं उससे फॉलो करूँगा और अपने समाज में इसका प्रसार करूँगा।
जय भीम।